लड़कियों में पांचवी से सातवीं के जो लड़कियां हैं वो 15, आठवीं से दसवीं के जो लड़कियां हैं वो 15, और लड़कों में वही पांचवी से सातवीं में 15 और उसके बाद आठवीं से दसवीं के 15, यानी टोटल 60 बच्चों का ये प्रोग्राम है। आदाब, आइए बात करते हैं नातिया प्रोग्राम की। आप सभी लोगों को पता है भारत शक्ति समाचार द्वारा 2023 में 6 नातिया कंपटीशन और एक अजान कंपटीशन किया गया। अक्सर बच्चों के फोन भी मेरी तरफ आते रहते हैं, मगर 2024 में क्योंकि चुनाव वगैरह भी था और दूसरे काम की वजह से हम प्रोग्राम नहीं कर पाए, इसलिए 17 अगस्त को, यानी 15 अगस्त के मौके पर, क्योंकि 15 अगस्त को बहुत सारे प्रोग्राम शहर में होते हैं, स्कूलों के होते हैं, इसलिए बच्चे नहीं आ सकेंगे। इसलिए 17 अगस्त को संडे का दिन है, भिवंडी शहर के मोहम्मद अली ढाबे पर ये नातिया मुकाबला होना है। ढाबे पर करने की असल वजह यह है कि जो शादी हाल हैं वो बारिश की वजह से बंद है, इसलिए हम ये प्रोग्राम मोहम्मद अली ढाबे पर कर रहे हैं। भिवंडी शहर के चामिंद्रा से जब आगे बढ़ेंगे तो उल्टे हाथ पर पहला ढाबा यही है, मोहम्मद अली ढाबा। इसमें लेडीज का जो सेक्शन है उस तरफ ये प्रोग्राम होगा। 17 अगस्त इतवार यानी रविवार का दिन 2024। इसमें शामिल होने वाले जो बच्चे हैं ये मदरसे से भी हो सकते हैं, स्कूलों से भी हो सकते हैं। इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए कुछ शर्तें भी हैं। बच्चों को या उनके जो वालिदैन हैं या उनके टीचर्स होंगे वो इस पर ध्यान देंगे। जो बच्चे 2023 के प्रोग्रामों में फर्स्ट सेकंड दो इनामात हासिल कर चुके हैं, इस प्रोग्राम में वो बच्चे शामिल नहीं होंगे। एक तीसरा इनाम पाने वाले या एजादी इनामात पाने वाले जो बच्चे हैं वो इसमें शामिल हो सकेंगे। इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए इस बार कोई फॉर्म इशू नहीं किया जाएगा। इस वीडियो के आखिर में जो नंबर है वो मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है और फोन पे नंबर भी है। इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए फॉर्म की जो फीस है वो 100 रुपया। हमारे सभी दर्शक जानते हैं कि हम अगर फॉर्म की फीस लेते हैं तो इनामात हम क्या क्या देते हैं। अब इनामात क्या देने वाले हैं, दो ग्रुप रहेगा। दो ग्रुप का मतलब पांचवी से सातवीं के बच्चे, आठवीं से दसवीं के बच्चे, लड़कियों में और लड़कों में ये दो कैटेगरी होगी। अब दो कैटेगरी का मतलब लड़कों में पहला इनाम जो हम देते हैं वो साइकिल, दूसरा इनाम मिक्सर, तीसरा इनाम पंखा, उसके बाद एजादी इनामात जो आते हैं वो हैं, और उसके बाद कुछ न कुछ इनामात सभी बच्चों को दिए जाते हैं। पिछले प्रोग्राम की तरह से ये प्रोग्राम तरतीब दिया गया है। तो ग्रुप ए और बी लड़कों में, ग्रुप ए और बी लड़कियों में भी है। तो जिस तरह से ग्रुप ए में लड़कों के लिए ए और बी में यानी दो साइकिल, दो मिक्सर और दो पंखे दिए जाएंगे, इसी तरह से लड़कियों में भी ग्रुप ए और बी है, पांचवीं से सातवीं, आठवीं से दसवीं, दोनों में पहला इनाम सिलाई मशीन है, दूसरा इनाम मिक्सर है, तीसरा इनाम पंखा है। इसके पहले भी लड़कियों में इसी तरह से किया गया था। इस बार हम जो इनामात दे रहे हैं उसमें दो सिलाई मशीन, दो साइकिल, ये हमारे बड़े इनामात हैं। हम ये पूरा प्रोग्राम हम अपने दोस्तों की मदद से करते हैं, इसलिए कुछ बातों को ध्यान में रखें। ध्यान में क्या क्या रखना है, इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए 10 अगस्त तक ऑनलाइन आपके नाम, आपके स्कूल की आईडी हमारे पास व्हाट्सएप के जरिए आ जानी चाहिए, क्योंकि हम फॉर्म नहीं इशू कर रहे हैं और फॉर्म की जो फी है वो आप ऑनलाइन कर सकते हैं। इस बार ये फॉर्म किसी ठिकाने पर नहीं मिलेगा, इसलिए आप सीधे मुझसे बात करेंगे, आपको जो भी अड़चने हैं। राथवाल स्कूलों का
स्कूल का एक आईडी कार्ड आपका, बस वही आपका प्रूफ है, वो भी आपको व्हाट्सएप पर भेज देना है। किसी भी स्कूल से या किसी भी मदरसे से कोई लेटर लाने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। हमारी जो शर्तें हैं वो ध्यान रखें, हमारे जो जजेस हजरात होते हैं उनका जो फैसला है वो कतई और आखिरी होता है। जिन लोगों ने भी हमारे प्रोग्रामों को देखा है उनको अच्छी तरह से पता है कि हम प्रोग्राम कितनी सफाई से करते हैं। बहरहाल प्रोग्राम के दिन ही जो इनामात हैं वो वहीं दे दिए जाएंगे। ध्यान रहे कि बारिश की वजह से प्रोग्राम में बदलाव हो सकता है, इसलिए कम से कम 15 अगस्त तक ये कंफर्म भी करें, वैसे हम बीच बीच में आपको वीडियो देते रहेंगे। तो प्रोग्राम सीधे सीधे आपने समझ लिया होगा, इसमें वो बच्चे या बच्चियां जो हमारे प्रोग्राम में पहला और दूसरा इनाम हासिल कर चुके हैं वो अगर मेहमान की हैसियत से आएंगे हम उन्हें इनवाइट करेंगे, वो आ सकते हैं, मगर इस नातिया प्रोग्राम में वो शामिल नहीं हो सकेंगे, ये उसमें शर्त है। 3 या एजादी इनामात हासिल करने वाले या उसके बाद वाले जो भी बच्चे होंगे वो इसमें शामिल हो सकते हैं। सारी शर्तें बता दी गई है। इस प्रोग्राम के ताल्लुक से अगर और कोई जानकारी लेनी होगी तो अब ये स्क्रीन पर मेरा नंबर है, आप कभी भी मुझे फ़ोन कर सकते हैं। और एक बात ध्यान रहे कि हम टोटल लड़कियों में 5वीं से 7वीं के जो लड़कियां हैं वो 15, 8वीं से 10वीं के जो लड़कियां हैं वो 15, और लड़कों में वही 5वीं से 7वीं में 15 और उसके बाद 8वीं से 10वीं के 15, यानी टोटल 60 बच्चों का ये प्रोग्राम है। 10 अगस्त तक हमारे पास जो भी नाम डिटेल जो कुछ भी है वो आ जाएगी, ये फाइनल रहेगा। अक्सर ये होता है कि बच्चे वहाँ आकर अपना नाम लिखवाते हैं, उसमें हमारे लिए परेशानी बढ़ती है क्योंकि हम तैयारी अपने हिसाब से करते हैं और बच्चे वहाँ बढ़ जाते हैं, इसलिए कभी कभी इनामात बांटने का हमको एक हफ्ते का गैप करना पड़ता है। तो ध्यान रहे 10 अगस्त तक जो भी जानकारियां हैं वो आ जाएंगी, वो फाइनल रहेगा। कोई भी लड़का या लड़की प्रोग्राम वाले दिन उसमें एंट्री नहीं कर पाएगा, इसलिए पेरेंट्स भी ध्यान दें और टीचर जो कहीं ना कहीं मुझसे जुड़े हुए हैं या इन बच्चों से जुड़े हुए हैं तो उनकी हौसला अफजाई करें, उन्हें तैयार कराएं और हम टीचरों को इन्वाइट करेंगे। 10 अगस्त तक हमारे पास जो डिटेल आ जाएगी उसी डिटेल के हिसाब से उसी स्कूल से हम कांटेक्ट भी करेंगे, एज ए गेस्ट हम किसी को बुलाने का प्रयास करेंगे। बहरहाल जो भी जानकारी हमने दी है उसमें अगर कुछ और जानकारी लेनी होगी तो मेरा नंबर स्क्रीन पर आप देख चुके हैं। मैं खान फख्र आलम।